हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। अगर आप लोग प्लान कर रहे थे कि टाटा की कोई भी कार परचेस करने का, तो अभी पर्टिकुलर क्या हो रहा है, अक्टूबर 3 के बाद टाटा ने अपने जितनी भी कार्स आ रही है उनमें प्राइसेस हाइक कर दिए, एंड अप टू 30,000 ये प्राइस आपको हाइक देखने को मिलेंगे इनकी सभी कार्स में। जो कि बिना कस्टमर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा कि ये कंपनीज करती हैं। एंड नॉर्मली सिर्फ टाटा की बात नहीं, इससे पहले भी आप देखोगे तो कई कंपनीज फेस्टिवल सीजन के टाइम पे अपने अपने कार के प्राइस बढ़ा देती है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है यार। बिकॉज कस्टमर प्लान करता है इस फेस्टिवल सीजन में अपने लिए कार लेने का, एंड लोग वेट करते हैं पर्टिकुलर इस सीजन का कि हम इस सीजन में दिवाली सीजन में अपने लिए कार लेंगे, फेस्टिवल सीजन पे अपने लिए लेंगे कार नहीं। एंड कंपनी उसी चीज को फायदा उठा के, बिकॉज कंपनी को पता है कि इस समय सेल्स नॉर्मली ईयर के अकॉर्डिंग इस ड्यूरेशन में सेल्स ज्यादा बढ़ती है, एंड उसी टाइम पे कंपनी अपने अपने प्राइजेस पे हाइक कर देती है, जिससे कस्टमर को एक थोड़ा सा चीटेड फील होता है। एंड मुझे नहीं समझ आता कि इस ड्यूरेशन पे ही सब कंपनी को प्रॉफिट कमाने का कैसे समझ आता है। तो अब आपको टाटा की कार्स में, जैसे मैंने बताया, 30,000 का हाइक देखने को मिलेगा। एंड ये जो लोग हैं, जैसे अभी टाटा नेक्सॉन अभी लॉन्च हुई थी, एंड जिन लोगों ने टाटा नेक्सॉन की बुकिंग कराई थी इंट्रोडक्टरी प्राइस में, उनको भी अब बढ़े हुए प्राइस देने पड़ेंगे। जिनकी भी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, उनको 3rd अक्टूबर के बाद जिनकी भी कार की डिलीवरी होंगी उनको उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस पे करने पड़ेंगे। तो आप, ये मैटर नहीं करता कि आपने किस अमाउंट पे, किस प्राइस पे बुकिंग कराई थी, अब आपको जो प्राइस, जो रिवाइज प्राइस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कार मिलेगी, जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि एक सही चीज नहीं है। बिकॉज जब भी कोई कार लॉन्च होती है, जब भी आपने किसी कार के प्राइसिंग निकाले हैं, तो कस्टमर उसी के हिसाब से अपनी बुकिंग कराता है ना। कस्टमर ने अगर उसके अकॉर्डिंग बुकिंग करा दी है तो कंपनी को उसी प्राइस पे एटलीस्ट उन लोगों को तो डिलीवर करनी चाहिए जिन्होंने बुकिंग करा दी है, बट ऐसा नहीं होता। तो फ्रॉम अक्टूबर आपको ये सारे प्राइजेस हाइक देखने को मिलेंगे टाटा की कार्स में। अभी ये सिर्फ टाटा की कार्स में हुए, हो सकता है कि धीरे धीरे और कंपनीज भी अपने प्राइस हाइक करें, बिकॉज नॉर्मली इस ड्यूरेशन पे कई कंपनीज अपने रिवाइज प्राइस लेके आती है, एंड आई एम होपिंग कि और कंपनीज के भी अभी रिवाइज प्राइस आएंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी और कार का, तो आप जल्दी से वो कार परचेस कर लीजिए। बिकॉज अभी सीन क्या हो गया यार, अभी ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे ऑब्वियसली शरारत टाइम चल रहा है, एंड लोग कम प्रेफर करते हैं इस टाइम पे कार लेना, तो इस समय ऑटोमेटिकली सेल डाउन है। एंड ये जो प्राइस इफेक्टिव कर रहे हैं, ये 3rd अक्टूबर से कर रहे हैं, मतलब जैसे ही आपके नवरात्रे स्टार्ट होंगे, जैसे ही आपका फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, आपको ये प्राइस रिवाइज होके मिल जाएंगे। तो आपको वो बड़े प्राइस ही देने पड़ेंगे इनको। तो ये आई थिंक एक सोची समझी प्लानिंग के साथ कंपनी ऐसा करती है, क्योंकि वो उसी पीरियड पे ये प्राइस रिवाइज कर रहे हैं जिस समय लोग कार लेना पसंद करते हैं, कार लेने के लिए जिस समय ज्यादा लोग कार लेते हैं। एंड गाइस, अगर हाँ आप लोग नेक्सॉन का प्री फेसलिफ्ट वर्जन लेना चाहते हो ना, तो आप उसको डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स उसमें ऑफर किए जा रहे हैं, डीलर्स लोगों के पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, एंड वो काफी अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं उसमें। तो अगर आप लोग चाहते हो प्री फेसलिफ्ट वर्जन लेना, तो आप उसमें डेफिनेटली जा सकते हो, अच्छे डिस्काउंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। स्टॉक्स है अभी डीलर्स के पास और वो अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको दे रहे हैं उसमें। सो प्री फेसलिफ्ट पे आप जा सकते हो डेफिनेटली, उसमें अच्छे डिस्काउंट्स हैं आपके लिए। एंड इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, इंजन स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजेस आया नहीं है, तो जिन लोगों को लुक्स ज्यादा मैटर नहीं करते वो लोग डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी डील है और आप जल्दी से इसको ग्रैब कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत लिमिटेड टाइम तक रहेगा। जैसे स्टॉक निकल जाएगा तो फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो बाकी लोगों के लिए जो और टाटा की कार्स लेना चाहते हैं, उन लोगों को बढ़े हुए प्राइसेस पे कार लेनी पड़ेगी। एंड मेरे को लगता है कि ये जल्दी और ब्रांड्स भी करने वाले हैं, एंड और ब्रांड्स के भी प्राइस रिवाइज आपको मिल जाएंगे देखने में कमिंग मंथ्स में। सो गाइस, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है हमारे पास। हमने भी टाटा की एक न्यू कार बुक कर दी है। अब ये कार कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सी कार बुक की है। तो गाइस, एक छोटी सी वीडियो थी, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कमिंग मंथ्स में अब आपको टाटा की कार्स के लिए बड़े हुए प्राइजेस देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।